करना चाहिए, हृदय जैसा वर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें डोंकी वर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हाउ हार्ड यू वर्क मैटर्स एंड हाउ मच यू नीड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट टीचर, एम्बैरस इट। दोस्तों, ये बहुत My name is Amita, और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी 7 यूनिक स्टडी हैक्स। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस गेम के रूल्स सुनते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं कोई भी हैक बोलने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी दोस्तों, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, और उसका राइट आंसर मैं आपको अभी बता दूंगी। दोस्तों, इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं गारंटी दे सकता हूँ मेरे जैसे 360 वीडियोस आपको किधर भी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। फर्स्ट हैक है, हमें प्रिपरेशन के साथ स्टडी को बैठना चाहिए। दोस्तों मतलब क्या? दोस्तों मतलब कि आपको सब सामान, स्टडी का सामान लेके स्टडी को बैठना चाहिए, जैसे कि आपकी नोटबुक हो, टेक्स्ट बुक हो, होम असाइनमेंट हो, टाशीट हो, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, आपको सब लेके स्टडी को बैठना चाहिए। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो जाएंगे। चलिए हमारा सेकेंड हैक सुनते हैं। दोस्तों सेकेंड हैक है, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हृदय जैसा वर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें डोंकी वर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हाउ हार्ड यू वर्क मैटर्स एंड हाउ मच यू नीड। दोस्तों, अगर आपको ईस्ट को जाना है और अगर बहुत स्पीड से आप वेस्ट को गए तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हृदय जैसा वर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वी क्वेश्चन टाइम। दोस्तों क्वेश्चन टाइम, आपका क्वेश्चन है ये। दोस्तों सब लोग हमें बोलते रहते हैं स्टडी स्टडी स्टडी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर हमें कोई नहीं बोलता कैसे, कभी और हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगी कि हमें कैसे क्या और किधर स्टडी करना चाहिए। दोस्तों आपका क्वेश्चन है, आपके घर वालों ने आपको पूछा होगा स्टडी स्टडी स्टडी, तो कमेंट करके बताइए आपको कौन बोलता है स्टडी स्टडी स्टडी। दोस्तों इसका आंसर है, दोस्तों सब लोग बोलते हैं हमें स्टडी स्टडी, तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों पहले हम जानते हैं हमें कभी स्टडी करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सुबह का टाइम हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, इस टाइम को हमें स्टडी करना चाहिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अभी सेकेंड, हमें कहाँ स्टडी करना चाहिए? दोस्तों हमें एक पीसफुल रूम में स्टडी करना चाहिए, जहाँ हमारी रूम बहुत ही वेंटिलेटेड हो, ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, इसीलिए हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क करता है, वो अच्छे से याद रख पाता है। दोस्तों ये था हमारा सेकेंड। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दोस्तों हमें बेड पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम बेड पे बैठते हैं, फिर लेटते हैं, फिर सो जाते हैं, तो हमको डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें बेड पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, हमें एक चेयर लेना चाहिए, एक टेबल लेना चाहिए, स्टडी लैम्प हो तो वो लीजिए, नहीं तो आपका लाइट फोर्स हो वो भी अच्छा है। आपका पूरा फोकस आपके बुक पे होना चाहिए, किसी और डिस्ट्रैक्शंस पे बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों हमारा फोर्थ हैक है कलरफुल मार्कर्स। तो अभी मैं आप सभी को बताऊंगी आपका क्वेश्चन टाइम, आपका क्वेश्चन बताऊंगी, वो आपको कमेंट करके मुझे बोलना है। दोस्तों क्या आपको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है हमारा कि क्या आपके टीचर ने आपको पूछा कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक दे दो, और आपको कितना टाइम लगता है दोस्तों? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स? ओ माय गॉड। दोस्तों ये आपकी प्रॉब्लम है, तो ये मेरा हैक आपके घर पे ट्राई कीजिए। दोस्तों ये मेरे हैक के लिए हमें सिर्फ 2 मटेरियल्स की ज़रूरत है, एक हमारे कलरफुल मार्कर्स और एक बुक। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी ये कलरफुल मार्कर्स है, और इससे हमें क्या करना है? दोस्तों हमारे बैग में ऐसे बुक्स होती है, हमारे बुक के एंड में हमें ये मार्कर्स लगाना है। जैसे कि दोस्तों अगर मैंने आपका पिंक मार्कर लिया, तो आपको इसके ढक्कन ऐसे निकाल के इस बुक के ऐसे, दोस्तों बुक के ऐसे एंड तक आपको लगा देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं बुक को ऐसे लगाना है मार्कर्स। आप आइडेंटिफाई बुक को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, अगर आपके टीचर ने आपको बोला कि इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक दे दो, तो आप देख सकते हैं मैम ले लो बुक। तो ये था दोस्तों हमारा
फोर्थ हैक, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ हैक। दोस्तों अगर आपके एग्जाम्स टाइम चालू है और कल आपके एग्जाम्स है और आपका पढ़ाई में दिमाग बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, आपको ऐसे सोना सोना सा लग रहा है, तो क्या कीजिए, क्या करना है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बोल दीजिए आप क्या करते हैं इस टाइम। और इसका राइट आंसर है दोस्तों, कल आपका एग्जाम है, सपोज आपका SSC का कल एग्जाम है, तो आपको क्या करना चाहिए और आपको जल्दी जल्दी से रिमेम्बर करना है, तो दोस्तों कलरफुल इमेजेस या पिक्चर्स हमारे ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाते हैं, तो इसीलिए दोस्तों पर मैंने ऐसे सैंपल्स बनाया है दोस्तों, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स, प्लेन्स और डेजर्ट्स, तो ऐसे आप सभी को करना है, आपका ब्रेन ज़्यादा वर्क करेगा और आपका सोना सोना भी नहीं लगेगा। ये कलरफुल मार्कर्स और पेन से मैंने किया है दोस्तों, आपको ये करना है, आप ये घर पे। दोस्तों क्वेश्चन टाइम। दोस्तों अभी मुझे क्वेश्चन पूछिए, अगर आप पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो एक घंटे के लिए पर आप सिर्फ पढ़ पाएंगे 10 या 15 मिनट्स, दोस्तों क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा टेबल, हमारा कंपस बॉक्स, हमारा जो भी आप कभी रखते हो वो बिल्कुल भी ख़राब होता है, हम वो अनक्लीन्ड होता है दोस्तों, इसलिए हमें बॉक्स या पेंसिल फाइंड करने में देर होता है। इसलिए आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगी अच्छा सा आइडिया। तो दोस्तों हमारा आइडिया है कि आपको जब आप जल्दी जल्दी डिनर खाते हो या जल्दी जल्दी लंच खाते हो, तो आपको क्या करना है, लंच आप जल्दी जल्दी खाएंगे तो थोड़ा टाइम बचता है 10-15 मिनट, उसमें आपको आपके कभी कंपस बॉक्स उसको अच्छे से रखना है, जैसे कि बुक के ऊपर बुक उसको वेल अरेंज करके रखना है दोस्तों, क्लीन रखना है पूरा, और आपका घर भी पूरा क्लीन होना चाहिए, साथ ही साथ आपके कभी और आपका टेबल और आपका पेंसिल। हमारा सेवेंथ हैक है कि डू रिसर्च ऑनलाइन फॉर सम टाइम। दोस्तों हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट टीचर, एम्बैरस इट। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और ये बुक दोस्तों आपको लगा किधर की है, दोस्तों ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ये बुक है दोस्तों, आप देख सकते हैं एग्जाम वॉरियर, ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। मतलब इसमें क्या है दोस्तों, एक पेज पिक्चर है, फिर आपका रीडिंग पार्ट है, फिर इसके बाद आपकी एक्टिविटी है दोस्तों। एक्टिविटी मतलब ऐसी है दोस्तों, आप उसको स्कैन करके नमो ऐप है दोस्तों उस पर आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस बुक की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, उधर से आप अमेजोन से बाय करो। मैं आप सभी को बताऊंगी इस बुक में क्या है। तो दोस्तों एक बुक में है, फर्स्ट है पिक्चर, उसके बाद है थोड़ा सा रीडिंग, सिर्फ थोड़ा सा 2-3 पैराग्राफ रीडिंग है, उसके बाद ऐसे एक्टिविटीज़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने फनी एक्टिविटीज़ है ये दोस्तों, ये क्लॉक के एक्टिविटीज़ है, जैसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ इस बुक में है। तो आई लव टू रीड दिस बुक दोस्तों, ये बुक बहुत ही यूज़फुल है, हमें बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल लोगों का एक्सपीरियंस बताती है दोस्तों, ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। दोस्तों अगर आपको ये बुक अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक के बारे में लिंक दी है, आप इसको अमेजोन से ऑर्डर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और स्पेशली दोस्तों स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है, मैंने आपको सारे तरीके बताए हैं कि हमें कैसे स्टडी करना चाहिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आपको कुछ डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए मुझे, और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों भूषण 360 चैनल पे वो कंटेंट होता है वो किसी चैनल पे नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों।